हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि शाहरुख खान की अगली मूवी जवान 7 तारीख को रिलीज होने वाली है। सच में इस मूवी का जब कल ट्रेलर आया ना, तो जो धमाके इस मूवी के ट्रेलर ने करे ना, वो अलग लेवल के थे। सच में यार, इतनी खतरनाक इस मूवी की हाइप जनरेट हो चुकी है कि ये मूवी धमाके करने वाली है अपने ओपनिंग डे पे। सच में मतलब इसकी ओपनिंग डे की जो एडवांस बुकिंग है ना, वो इतनी जबरदस्त चल रही है। उसके ऊपर से जो टिकट के प्राइजेस हैं, वो भी इतने ज्यादा रखे गए हैं कि ये मूवी मतलब बहुत खतरनाक रिकॉर्ड बनाने वाली है। सच में इतने खतरनाक रिकॉर्ड जो आपने और मैंने इमेजिन नहीं करे होंगे जब ये मूवी का ऑलमोस्ट ट्रेलर रिलीज होने वाला था, या जब हम ट्रेलर देख भी रहे थे। हम सब ने ये नहीं सोचा था कि ये मूवी की ओपनिंग इतनी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये मूवी की ओपनिंग बहुत जबरदस्त रहने वाली है। सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त। कितनी रहने वाली है? इस मूवी की ओपनिंग 60 से 70 करोड़ तक की हो सकती है। मतलब सोच रहे हो इतनी बड़ी ओपनिंग का? क्योंकि इस मूवी का जो सबसे बड़ा USP है, वो तो एक तो शाहरुख खान खुद है। शाहरुख खान है, इतना बड़ा स्टार है। पठान के बाद एक इतनी बड़ी मूवी लेकर आ रहा है जो पूरे इंडिया में चलने वाली है। ये मूवी हर लैंग्वेज में कमाल करने वाली है, इस बात की मैं गारंटी देने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप साउथ की बात करो, तो साउथ के एक्टर्स हैं इसमें, हिंदी बेल्ट में शाहरुख खान खुद हैं, और साउथ के डायरेक्टर है, अनिरुद्ध का म्यूजिक है जो कि साउथ में बहुत तगड़ा चला है। तो ये मूवी साउथ में भी बिजनेस करेगी और हिंदी बेल्ट में भी बिजनेस करेगी। जहां तक बात है इस मूवी के टिकट प्राइसेस की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा रखे गए। मतलब इतने खतरनाक टिकट प्राइसेस रखे गए ना, कि अगर इस मूवी ने की जो ओपनिंग डे रहा वो 60-70% भी रहा ना, तो ये मूवी आराम से 50 करोड़ प्लस मारने वाली। इतने ज़्यादा टिकट प्राइसेस हाई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। डेफिनेटली ये मूवी हर इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं रहने वाली फर्स्ट वीक में, क्योंकि ये मूवी काफ़ी महंगी है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली सेकेंड और थर्ड वीक में ये अफोर्डेबल बन जाएगी, लेकिन काफ़ी महंगी मूवी है। इसी कारण से ये मूवी की ऑक्यूपेंसी पर आप मत जाइएगा, क्योंकि उतनी नहीं रहने वाली है जितनी यूजुअली रहती है इतनी बड़ी ओपनिंग के लिए। उतनी बड़ी नहीं रहने वाली। अगर ये मूवी 60-70% भी फुल रही फर्स्ट डे पर, तो ये मूवी 50 करोड़ से ऊपर जाएगी। और अगर उससे थोड़ा ज्यादा रही, तो ये मूवी आराम से 60-70 करोड़ का बिजनेस करने वाली अपने ओपनिंग डे पर। मुझे पूरा यकीन है ये मूवी 60 करोड़ प्लस जा रही है अपने ओपनिंग डे पर। आपको क्या लगता है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।